हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज शरद की छुट्टी है, लेकिन किसी भाई अपने घर के पर्सनल काम से कहीं जाना है, तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे। तो उससे पहले उनका खाना बना रही हूँ मैं। रोटी तो यहाँ मैंने बना दी है, सब्जी बन रही है, प्याज भून रही है, आज अरवी की सब्जी बना रही हूँ। रसोई की कंडीशन पर मत जाना, क्योंकि मैंने अभी रोटी सेकी है। खाना वाना इनका बने तैयार कर दिया है, थोड़ी देर में सब्जी बन जाएगी। अब थोड़ी देर बैठेंगे, आराम से पसीना सुखाएंगे। परसों शरद जामन तोड़ रहे थे पेड़ पे से, तो जामन का जो तोड़ने का प्रोसेस था वो उन्होंने वहीं रोक दिया, क्योंकि उस पर लगा हुआ था ततैये का छत्ता। और जो है जो डंडे जिस डंडे से वो तोड़ रहे थे ना, वो जाके ततैये के छत्ते पर लग गया। फटाफट नीचे आ गए उतर के, नहीं तो ततैये काट लेते। और सीढ़ी वगैरह सब अभी पार्क में ही रखी हुई है। हो गए तैयार? खाना डाल दूँ? मेर से यूँ करते कि जल्दी से खाना बना ले, मैं खाना खा के जाऊँगा। और अब खाना बन गया तो यूँ कह रहे कि मैं खाना नहीं खा के जाऊँगा, गैल बांध दूंगी रास्ते में खा लियो। मैंने सुबह उठ के जल्दी जल्दी खाना बनाया, और अब यूँ कह रहे कि मैं खाना नहीं खा के जाऊँगा। सब्जी हो गई मेरी तैयार, खाना मैंने तैयार कर दिया है, लेकिन फिर भी खा के नहीं जा रहे। यूँ कह रहे लस्सी पी के जाऊँगा, तो पहले इनकी लस्सी बना देती हूँ मैं। लस्सी बना देती हूँ पहले। टाइम हो चुका है 8:20, सवा घंटे का रास्ता है, पहुंच जाऊंगा। पिछड़ते पड़ते संडे, वैसे आज ट्रैफिक कम पाएगा, तो मैडम फटाफट जल्दी सी लस्सी बना देगी मेरी, तो निकलता हूँ यहाँ से। मैसलिटी करवा देती है पता नहीं क्या। तो ये पुदीना डाल के, अरे पुदीना थोड़ा बारीक करना था ना भाई, ये मोटे मोटे कण मेरे दांतों में फंसा। थोड़ा बहुत जो है खा पी के चलाऊँ घर से, गर्मी नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाएगी शरीर के अंदर। इसकी फ्रेंड है ना, एक गेम लेके आई थी, वो हम भी खेला करते हैं स्कूल में, वो सिलेक्ट करने, नंबर सिलेक्ट करने। तो इसकी फ्रेंड लेके आई थी कल शाम को खेलने के लिए, तो तब से रो रही है कि मेरे लिए बना दो। मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, मुझे आया ही नहीं बनाना। तो 1.5 महीना बच्चों ने खूब मौज ले ली। 7:30-8 बजे सो के उठा करते, अब कल से 5:30 बजे उठा करेंगे। कहती कि ऑर्डर वक्त पूरा कर ले, जब इसको कुछ याद नहीं आया, थोड़ा बहुत रह रहा है, तो आज कंप्लीट करवाऊँ। ये ट्यूशन जाती है ना, तो ट्यूशन का जब 15-20 मिनट रह जाएंगे ना, तब इसको याद आता है कि मम्मा मैडम ने तो ट्यूशन का काम दिया था, मुझे वो करवा दो। ऐसे आज इसको याद आएगा कि मेरा ऑर्डर वक्त कम्प्लीट हुआ या नहीं हुआ, है ना बेटा। आने के लिए अब एक ही दिन रह गया ना, तो अब इनको सब चीज याद आ रही है, कौन से प्रिंट आउट निकालने हैं, कौन से कुछ। क्या बोलते हैं इसको? चिप चॉप। चलो मेरे साथ खेल लो। चिप चॉप से चूज नंबर 9। अच्छा ना, वाला है। तो भाई शाम हो चुकी है, और शाम को मैडम कहीं चली गई थी बाहर, तो मैंने कुछ इसका अधूरा काम कर दिया है, दाल वगैरह में तड़का लगा दिया है, और मेहनत मेरे सर पे दिख रही होगी। मैं थोड़ा लेट हो गई आने में, दाल चढ़ा के गई थी मैं, प्याज टमाटर ये सब काट कूट के तैयार कर रखी थी, और छोंक भी लगा दिया। आज सारे काम गिनवाऊंगी, पहली बार किया है ना, तो काफी सारा लगाया मैंने इसका। कोई भी जो है ना गुण एहसान नहीं है किसी चीज का, काम भी करो तो तारीफ भी ना करे। तो भी मैडम ने दाल उबाल दी थी, और तड़का मैंने काट के जो है, और अभी वो कढ़ाई में तड़का लगा दिया है मैंने, और इसमें फालतू में क्या कर दूँ बताओ। और इधर ये जोत लगा दी, प्रभु का नाम ले लिया, और मैडम अपना काम कर रही है अभी। तो चलिए भाई, तो अभी बनाएंगे शॉर्ट्स वगैरह कुछ, तो कल भी नहीं बनाई थी, कल मैच आ रहा था इसलिए नहीं बनाई हमने शॉर्ट्स। कितना बढ़िया मैंने तड़का लगा रखा है, देखो एकदम ढाबा स्टाइल में लगा रखा है। ऐसे ऐसे लगाते हैं तड़का, ठीक है? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। शकल देख कितनी बढ़िया आ रही है। चलिए भी मैडम का आधा काम तो निपटा दिया है, अभी रोटी बार बार क्या के मैं तेरे को याद दिलाऊंगा। हैं, अभी रोटी बनानी है। रोटी में चावल बना लेना आज, रोटी बनाऊंगी चावल बनाऊंगी। तो अभी शॉर्ट्स वगैरह देखने की कौन कौन सी बनानी है। तो भाई ये काम तो यही होता है कि भाई शॉर्ट्स वगैरह देखो, पसंद करो। क्या हो गया? क्या हो गया, क्या कर दिया बेटा? इसको इसमें मत कर, बस इतना काम नहीं पता तेरे को, बस 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 बेटा बस।
तो फिर मैंने यहाँ पर सेटअप लगा दिया है और मैडम अभी तैयार नहीं है, तो ये इनको लगती है गर्मी अधिक, तो किचन में इसको बनाने नहीं है शॉर्ट, इसको बनानी है इसी में ज़्यादा। तो मैं तो ले गया मतलब सारा सब कुछ ताम दाम था चेक किया मैंने, और ये मैडम अपना ठीक है। तो अब इसको सेटअप को बंद करो और दूसरे कमरे में शिफ्ट करो एसी वाले में। मेरी आधी ज़िंदगी तो ऐसे चली जाएगी इसमें, जो कभी इधर लेके जाओ कभी उधर लेके जाओ और कहाँ फंस जाओ। अरे तो ये बनाएंगे इधर, और कपड़े भी ऐसे रखे हैं मैडम ने तय नहीं करे हो जाएंगे। बच्चे अपना आराम से, बेटा कल स्कूल खुल रहे हैं बेटा, ए लिशु कल स्कूल खुल रहा है बेटा। और तूने क्या बना रखा है बालों का? ये भाई एसी वाले कमरे में ही सुकून है, बाकी कहीं सुकून नहीं है। ओए 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 जन्नत यहाँ, स्वाद आ गया स्वाद। ओए बेटा पैर दूर कर, करंट है उसके अंदर बेटा। अच्छा चुपचाप, हाँ नहीं सो जाए कोई बात नहीं। तो भाई इतनी गर्मी हो रही है कमरे से बाहर निकलती जो ना पसीना। आशमा तो ठीक है बेटा, कल आशमा स्कूल में जाएगी ना तब पता चलेगा। और यहाँ पे आ चुकी है बच्चों की रोटी, थोड़ा जल्दी बना लिया खाना क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे। चावल चाहिए, चावल बन रहे हैं, रोटी खा ले। खुश नजर आ रहे हैं। तो चलिए अभी शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, उसके बाद अपना कुछ खाना बना देखते हैं और फिर जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। तो दोस्तों अभी तैयारी चल रही है कल सुबह की, कल जाएंगे स्कूल में ये खाना बेटा चेक कराना, तो कर लेगी मैडम चेक करेगी। बाबू देर से काम ना मत करो। क्यों क्या हुआ? क्योंकि इसका काम पूरा नहीं हुआ, इसका काम लीचिया पूरा कर रही है और अब इसको टेंशन हो रही है इशू को। तो बेटा काम क्यों नहीं किया पूरा? यू कह रही है कल स्कूल जाना है, क्या मजाक कर रहे हो? अच्छा तो स्कूल में जाना है कल, इसको पता ही नहीं अभी तक। सुनो बताओ इसको, ये अभी सपने में है ना, अभी चिया जो सपनों में खोई हुई है लीचू, अभी परेशान हो रही है ये चिया। तो बेटा कल सुबह जल्दी उठना है 5:30 बजे ठीक है, और 6:30 बजे गाड़ी है, और 6:30 बजे गाड़ी और 6:30 बजे बेटा गाड़ी आ जाएगी ठीक है लीचू। ठीक है ओके। सुबह अभी नहा धो के रेडी हो गए, तो अपना खाना वाना खा के तो अपना करते हैं रेस्ट, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो शॉर्ट्स वगैरह सब बना दिए हैं, डेली हमें 3 शॉर्ट्स बनानी पड़ती है, तो भाई अभी निमट के बैठे हैं सारा काम करके। बच्चों ने खाना वाना खा लिया है, मैं तो उनको सिलाऊंगी, 9 बज चुके हैं, और जो सुबह की छोटी मोटी इनकी तैयारी थी ड्रेस वगैरह शूज़ वगैरह बैग वैग लगाना सब लगा के तैयार कर दिया है सुबह स्कूल, क्योंकि मेरी भी आदत थोड़ी ख़राब हो चुकी है, मैं भी थोड़ा लेट उठा करती थी कल से, फिर उसी टाइम 5 बजे उठना पड़ेगा, और बस कल तो थोड़ा लगेगा अजीब सा, लेकिन फिर उसके बाद आदत हो जाएगी। मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत लीशू की है, लीशू टाइम पे उठेगी या नहीं उठेगी, चिया तो फिर भी टाइम पे उठ जाएगी, लीशू की दिक्कत है। तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग का एंड और मिलते हैं। क्योंकि फर्स्ट डे है ना, तो मैं तो कल ही भेज दूंगी इन्हें, फर्स्ट डे अगर छुट्टी करवा ली ना तो इनको यूं हो जाएगा कि फिर अगले दिन भी छुट्टी कर लो, इसलिए मैं तो कल ही भेज दूंगी। तो चलिए भाई करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। मम्मी ने बच्चे धोती है।